वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। पाइथन ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। इससे पहले हमने रेंज टॉपिक को अच्छे से कवर करा था और उसमें कैसे हम यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को लूप की हेल्प से डेटा को डिस्प्ले कराते थे। वो हमारा जो टॉपिक था वो इम्यूटेबल था, क्योंकि वहाँ पर हमने जो रेंज दे दी उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे टॉपिक्स हैं, आप सिक्वेंस के लिस्ट, हमारा जो टॉपिक है वो एक म्यूटेबल है, यानी कि हम उसमें डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लिस्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और लिस्ट के साथ यूज़ होने वाले क्या क्या फंक्शंस हैं, वो इस पीडीएफ में अटैच हैं। इस पीडीएफ को आप वेबसाइट पर विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं और जो मेंबर्स हैं वो इनको ईजिली मेन्यू के अंदर से, प्रोफेशनल मेन्यू के अंदर से, प्रोग्रामिंग से, पाइथन सेक्शन से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये फंक्शंस और लिस्ट टॉपिक को हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक एम्प्टी डेटा लिस्ट की अगर बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको डिफाइन करने हैं। जो भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं उसमें अगर आपने कोई डाटा नहीं रखना, सिर्फ डिक्लेरेशन करनी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट से हम अपने एक लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, या चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कुछ वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। अब वो डेसिमल में हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, या स्ट्रिंग टाइप हो सकता है। आप लिस्ट के अंदर किसी भी तरीके का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसा इससे पहले हमने देखा था असाइन में, वहाँ पर सिंपल हम एक ही वैल्यू डाल सकते थे, लेकिन लिस्ट में हम किसी भी टाइप की वैल्यू को डिफाइन करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम उसके अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं, वही चेंजेस हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन देख लेते हैं, लिस्ट को कैसे करते हैं पाइथन के अंदर और डेटा हम उसमें कैसे डालते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करा है और लिस्ट में मैंने अभी सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए हैं। अगर हम इसका टाइप देखें लिस्ट का, तो आप देखेंगे ये जो है हमारी क्लास लिस्ट टाइप की है, यानी कि इसके अंदर हम मल्टीपल नंबर्स डाल सकते हैं, नंबर्स डाल सकते हैं, डेसिमल नंबर डाल सकते हैं, और कॉमे से सेपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसके अंदर कोई और चीज़ भी, कैरेक्टर डेटा भी डाल सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया है, हमारी लिस्ट डिफाइन हो चुकी है। अब सिंपल हमें लिस्ट लिखना है, उसमें जो भी डेटा है वो स्टार्टिंग टू एंड हमें सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था हमारा लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका टाइप कैसे चेक करते हैं और उसमें डेटा कैसे हम डिफाइन कराते हैं। अब इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं जो हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए वो भी देखते हैं। तो ये कंसेप्ट तो हम चला चुके थे जिसमें हमें डेटा को कैसे डिफाइन करना है, हम उसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। अब हम लिस्ट को कैसे बढ़ाएं, जैसे हमने लिस्ट तो डिक्लेयर कर दी है, उसमें कुछ वैल्यू भी डाल दी है, अब उसके अंदर हम और भी चीज़ें डालना चाहते हैं, तो आप लिस्ट के साथ डॉट अपेंड, जो भी आपने लिस्ट का नाम दिया है, डॉट अपेंड लगाते हुए उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अपेंड फंक्शंस हमारे रिकॉर्ड्स में, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में और रिकॉर्ड ऐड करा देता है, और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में शिफ्ट करता रहता है डेटा को। जैसे पाइथन हमने लास्ट लिखा था, उसके बाद हमने 103 ऐड कराया, फिर इंडिया ऐड कराया। तो ये अपेंड फंक्शंस कैसे यूज़ करेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिस्ट डॉट अपेंड का इस्तेमाल करते हुए कोई भी वैल्यू डाल दी है, अब वो न्यूमेरिकल हो सकती है, डेसिमल हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप हो सकती है। अब हम सिंपल लिस्ट लिखते हुए देखते हैं कि डाटा ऐड हुआ है नहीं। यस, हमारा डाटा ऐड हो चुका है, 90 नंबर लास्ट में डल चुका है। लिस्ट डॉट अपेंड करते हुए हम यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर वैल्यू डालते हैं और फिर से देखें लिस्ट को, तो यस हमारा वो कैरेक्टर वैल्यू भी ऐड हो चुका है। तो आपने देखा और भी फंक्शंस हम पाइथन में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी के जो फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिक्लेयर करेंगे।